नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के निर्देश पर गुरुवार को थाना मंझौला क्षेत्र के गागन नदी के पास से अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया गया। अपर नगर आयुक्त प्रथम अतुल कुमार सिंह और अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने अभियान की शुरुआत गागन नदी के पास से की। अवैध रूप से रखे हुए खोखो को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही नगर निगम यातायात पुलिस क्रेन के द्वारा अवैध रूप से पार्किंग में खड़े फोर व्हीलर वाहनों को नगर निगम टीम द्वारा उठा लिया गया और सभी का चालान करके कार्रवाई की गई। इसके अलावा कार पार्किंग वालों का चालान किया गया, कुछ का सामान भी जब्त करने की कार्रवाई हुई। कुछ जगह निगम टीम से नोकझोंक भी हुई। प्रवर्तन दल के सख्त तेवरों के आगे विरोध ज्यादा देर तक चल नहीं सका। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया, 10 दिन पहले सभी अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई थी अपना अवैध अतिक्रमण को स्वयं खुद हटा लें, मगर इसके बाद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आज नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कराने की कार्रवाई की और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। दोबारा अवैध अतिक्रमण किया गया तो मुकदमा दर्ज कर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ये गांगन नदी से अभियान स्टार्ट किया गया है। पिछले 10 दिन से लगातार इन लोगों को जो अतिक्रमण करता है, इन लोगों से बार बार हिदायत दी जा रही है, हटाने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने हटा भी लिया, लेकिन कुछ लोग जो है थोड़ा हटा करके थोड़ा छोड़ दिया वाली उस पर नीति पे चल रहे थे ताकि बाद में दोबारा लगा लें। तो आज ये अभियान शुरू किया गया है दोबारा से, क्योंकि सड़क का ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि ग्रिल लग रही है, इसमें स्क्रिप्चर लगेंगे और इसकी ग्रीन बेल्ट बनेगी। यहाँ के लोगों के ही लिए ये होगा। अगर इसमें लोग सहयोग नहीं करेंगे तो नगर निगम फिर ये सारे काम नहीं करा पाएगा। तो मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि नगर निगम जो काम कर रहा है वो आपकी भलाई के लिए है, आप ही के उपयोग के लिए है। आप लोग इसमें नगर निगम का सहयोग करें। माननीय जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, कमिश्नर साहब लगातार इन कामों की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार इस के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी के तहत आज ये कार्रवाई शुरू की। ये रूटीन के हिसाब से जारी रहेगा या स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य विकास कार्य किए जा रहे हैं उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा? नहीं नहीं, वो ये रूटीन में पहले दिखे, पहले भी रूटीन में चला अभियान, कई दिन लगातार चला। अब लोग बाग अगर सहयोग नहीं करेंगे अभियान का मतलब ये है, अभी रोजाना थोड़ी चलेगा भाई। एक चला दिया तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ दोबारा अतिक्रमण ना करें। अगर आप करेंगे तो फिर मुकदमे वगैरह दर्ज कराए जाएंगे।